हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बीते दिन एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। खबर कमल हासन से जुड़ी हुई थी। दरअसल कमल हासन महामारी कोरोना की चपेट में आ गई है। बताया जा रहा है कुछ दिन पहले वो यूएस गए थे। यूएस ट्रिप से लौटने के बाद, अपनी यूएस ट्रिप खत्म करने के बाद उनको हल्की खांसी हुई। थोड़ा सा उनको लगा कि वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर्स के द्वारा टेस्ट कराया गया तो इस दौरान वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बात की जानकारी खुद कमल हसन ने दी है। कमल हसन ने इसे लेकर अपने ट्विटर अकाउंट पर बाकायदा एक ट्वीट किया है, जिसमें वो लिखते हैं, यूएस ट्रिप से लौटने के बाद मुझे थोड़ी खांसी थी, टेस्ट करवाया तो पता चला कि मुझे कोरोना हो गया है। मैं आइसोलेशन में हूँ। अब समझ आ रहा है कि पेंडेमिक अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं आग्रह करता हूँ कि आप सभी सुरक्षित रहें। कमल हासन का जैसे ही ये ट्वीट सामने आया, उनके फैंस चिंतित हो गए। उनके जितने भी प्रशंसक हैं वो इस पोस्ट पर, इस ट्वीट पर अपना अपना रिएक्शन दे रहे हैं और ये दुआ कर रहे हैं कि कमल हासन जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वैसे कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि कोरोना से संक्रमित होने के बाद कमल हासन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये जब बीते दिन खबर आई तो कमल हासन के फैंस काफी ज्यादा चिंतित हो गए थे, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी जो हालत है वो उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, वो जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर चले जाएंगे। बता दें आपको, एक पूरा दौर रहा है कमल हासन का। बॉलीवुड की कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है। ना सिर्फ साउथ के सुपरस्टार हैं वो, बल्कि बॉलीवुड में भी उनका अच्छा खासा एक नाम है, एक रुतबा है और उनकी फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त है। इसके अलावा वो भारतीय राजनीति का भी एक जबरदस्त हिस्सा रहे हैं। 1960 से अपने करियर की शुरुआत करने वाले कमल हासन ने कई बड़ी फिल्मों में काम किया, जिनमें तमिल फिल्में भी शामिल हैं, बॉलीवुड फिल्में भी शामिल हैं। कई फिल्म फेयर उन्होंने जीते हैं और इन सब के अलावा राजनीति में भी उनका जो योगदान है वो काफी ज्यादा रहा है। तो कुल मिलाकर फिलहाल कमल हासन कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और उनके फैंस जल्द ही उनके ठीक होने की दुआ कर रही हैं। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।